प्रश्न वाला 8.6 अपन कर रहे थे और सवाल नंबर है आज का 7 कि यदि दीर्घवृत्त क्या बनाना है, अपने को दीर्घवृत्त बनाना है सबसे पहले। तो डायग्राम की सहायता से अपन समझेंगे, दीर्घवृत्त बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो दीर्घवृत्त के किसी बिंदु P, अपन इस पर कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बिंदु क्या ले लिया, P, जिसके निर्देशांक ये A होता है और ये पूरी दूरी क्या होती है, B। तो P के जो निर्देशांक है वो अपन ने ले लिए कि इसका निर्देशांक P का x का मान तो A cos थीटा है और y का मान कितना है, B sin थीटा है। ठीक है, ये अपन ने इसके निर्देशांक मान लिए। P पर अभिलंब खींचा जाता है, तो P पर अपन सबसे पहले तो एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं इसे, और इसी के ऊपर अब क्या खींचना है, कैसे अभिलंब खींचना है इसे। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये अपन ने अभिलंब खींच लिया। तब सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त के केंद्र से सिद्ध क्या करना है, वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दीर्घवृत्त के केंद्र से, दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी कितनी है, a माइनस बी है। ये अपने को सिद्ध करना है कि दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी, ये अभिलंब है, ये जो दूरी है ये अपने को निकालनी है कि अधिकतम कितनी है। ठीक है, तो ये दीर्घवृत्त का केंद्र है जिसके निर्देशांक कितने हैं, 0 0, तो ये वाली दूरी अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करेंगे कि दीर्घवृत्त के केंद्र से सबसे पहले तो अपने को अभिलंब की समीकरण का पता होना चाहिए। यदि किसी बिंदु P से अपन देखें कि निर्देशांक A cos थीटा और B sin थीटा है, तो अभिलंब का समीकरण होता क्या है, अभिलंब का समीकरण यदि निर्देशांक A cos थीटा और B sin थीटा है, तब अभिलंब का समीकरण क्या होता है, AX sec थीटा माइनस में क्या होता है, BY cosec थीटा, AX sec थीटा माइनस में BY cosec थीटा और बराबर में क्या होता है, A square माइनस में B square। ये अभिलंब का समीकरण होता है। ये समीकरण किसका है, अभिलंब का, जिसको अपन आसानी से ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे कोई ज्ञात करने से मतलब नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि ये अभिलंब का समीकरण है, AX sec थीटा माइनस में BY cosec थीटा और बराबर में कितना है, A square माइनस में B square। ठीक है, अब अपने को निकालनी ये दूरी, इस दूरी को मान लेते हैं एक बार P, मान लेते हैं P से लिख लेते हैं P बराबर। ठीक है, अब दूरी निकालने के लिए किसी भी बिंदु से, ठीक है, दूरी निकालते हैं, तब सूत्र क्या होता है, दूरी निकालने का दूरी सूत्र होता है एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी बट्टा क्या होता है, रूट ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। ये दूरी का सूत्र होता है किसी भी बिंदु से अगर निकालते हैं अपन, और इसके मोड लगा होता है, यानी दूरी हमेशा किस में होगी, प्लस में। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है, एक्स वन का मतलब एक्स वन और वाई वन जिस बिंदु से अपन निकालते हैं ना, वो एक्स वन और वाई वन होते हैं जिस बिंदु से अपन, तो यहाँ से दूरी अपने को कहाँ से निकालनी है, केंद्र से निकालनी है। तो एक्स वन और वाई वन का मान तो क्या हो गया, यहाँ पे एक्स वन और वाई वन का मान तो क्या हो गया, 0 0। ठीक है, और प्लस सी, ठीक है, तो ये अपनी समीकरण है, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा बराबर में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। दूरी सूत्र इसमें लगा लेते हैं दूरी निकालने के लिए, तो ए एक्स वन की जगह क्या लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मान तो क्या हो गया, 0। उसके बाद में माइनस का है, तो ये माइनस आ जाएगा। बी वाई वन, वाई वन की जगह भी क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि केंद्र से निकाल रहे हैं अपन, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद में ये कितना बचेगा, माइनस का रूट माइनस ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, और इसके क्या लग जाएगा, मोड अपॉन में क्या होता है, रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए का मतलब एक्स का कोफिशियंट और बी का मतलब वाई का कोफिशियंट। तो x का गुणांक तो यहाँ पे क्या है, a sec थीटा, x का गुणांक कितना है, a sec थीटा, इसका स्क्वेयर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर sec स्क्वेयर थीटा प्लस b किसका गुणांक होता है, y का, तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है, b cosec थीटा, जिसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वेयर cosec स्क्वेयर थीटा। तो p का मान क्या आ गया यहाँ से, ये तो माइनस है, 0 माइनस 0, और मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, और बट्टे में क्या आएगा, इसके पूरे के आ जाएगा ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा और प्लस में बी स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा। ये पी का मान आ गया, और ये पी क्या है, यहाँ पे
अभिलंब की दूरी है केंद्र से, केंद्र से अभिलंब की दूरी कितनी आ गई है, स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, ये है ठीक है। और ये दूरी क्या होनी चाहिए, अधिकतम दूरी होनी चाहिए, दूरी क्या होनी चाहिए अधिकतम। तो अधिकतम तथा न्यूनतम के लिए अपने को उचित तथा निम्निष्ठ के जो अपन ने क्वेश्चन किए उसी टाइप से ये क्वेश्चन करना है ठीक है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बट्टे में ये वाला है थीटा का पार्ट, ये वाला ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब अपन बात करें कि यदि कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बट्टे में कितना है रूट ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा और प्लस में क्या है बी स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा, ये क्या है विलंब की दूरी है केंद्र से, ये क्या आनी चाहिए अधिकतम होनी चाहिए, आनी क्या चाहिए दूरी अधिकतम, अधिकतम होगा यदि, यानी इसका जो हर है हर कितना है यहाँ पे रूट ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा और प्लस में क्या है बी स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा का मान न्यूनतम है, यानी ये वाला मान जो है ना, ये वाला मान ये क्या आ जाए न्यूनतम आ जाए, तब ये क्या होगा अधिकतम होगा। ये पूरा मान अधिकतम कब होगा, जब इसका जो हर है वो क्या हो न्यूनतम हो, यानी कम से कम हर होता है ना। जैसे अपन बात करें कि जैसे दो है, दो के अंदर अपन एक का भाग दें या फिर दो के अंदर अपन किसका भाग दें चार का, तो मान ज़्यादा किसका आएगा, जिसका हर न्यूनतम होगा उसके उसी का ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर भी हर क्या होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए ठीक है। तो हर न्यूनतम होगा तो ये जो पूरा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बट्टे में रूट ए स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा, यानी जो विलंब की दूरी है वो क्या हो जाएगी अधिकतम। तो अपन इसको लेके चलेंगे ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, जेड से लिखेंगे, जेड बराबर कितना है, जेड बराबर अपन रूट राट रूट, चलो एक बार लिख लेते हैं रूट को, रूट ए स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर थीटा और प्लस में क्या है बी स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा ठीक है। रूट इधर आएगा तो स्क्वेयर बन जाएगा ये जेड का, तो जेड स्क्वेयर बराबर क्या बचेगा ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा और प्लस में क्या आएगा बी स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा। इस जेड स्क्वेयर को अपन यहाँ पर और मान लेते हैं, माना जेड स्क्वेयर बराबर कितना यहाँ पे के है, यानी जेड स्क्वेयर का मान अगर न्यूनतम है, नहीं के का मान अगर न्यूनतम है तो जेड स्क्वेयर का मान भी क्या होगा न्यूनतम, के का मान अधिकतम है तो इसका मान भी। तो अपन ने जेड स्क्वेयर को क्या मान लिया यहाँ पे, के मान लिया, ताकि अपने अवकलन करने में आसानी हो। तो ए स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर थीटा और प्लस में बी स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर थीटा। तो ये अपना सबसे पहला जो काम है, के का मान निकाल लिया। अब अपने तीन स्टेप हैं उचित तथा निम्निष्ठ के लिए, सबसे पहले अवकलन ज्ञात करते हैं। तो के का अवकलन किसके सापेक्ष होगा यहाँ पे, थीटा के सापेक्ष। तो k का अवकलन थीटा के सापेक्ष होगा तो dk y क्या आ जाएगा d थीटा। अब ए स्क्वेयर है ठीक है, तो ए स्क्वेयर का तो ए स्क्वेयर, अवकलन किसका होगा sec स्क्वेयर का, तो sec स्क्वेयर का क्या हो जाएगा दो sec थीटा हो जाएगा। फिर sec का करेंगे अवकलन, तो sec का अवकलन क्या होता है sec थीटा और tan थीटा। प्लस में बी स्क्वेयर का बी स्क्वेयर, cosec स्क्वेयर का करेंगे पहले तो ये हो जाएगा दो cosec थीटा, फिर इनटू में कोसेक थीटा करेंगे तो कोसेक थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस लगता है इसमें साइन, माइनस कोसेक थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा कोट थीटा। तो ये इसका अवकलन हो गया पूरा ठीक है। तो ये डी पी बाई डी थीटा निकल गया, यानी डी के बाई डी थीटा। तो डी के बाई डी थीटा का मान क्या आ गया यहाँ से, ये मान आ गया दो, दो से गुणा कर लेंगे दो ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर हो जाएगा, ये सेक का सेक से गुणा करेंगे तो सेक स्क्वेयर थीटा टेन थीटा। ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का हो गया, दो का बी स्क्वेयर से गुणा करेंगे तो दो बी स्क्वेयर कोसेक का कोसेक से गुणा करेंगे तो कोसेक स्क्वेयर थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे कोट थीटा, ये कोट थीटा ठीक है। तो ये डी के बाई डी थीटा का मान ज्ञात अपन ने कर लिया है ठीक है। अब अपन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, थीटा का मान ज्ञात करना है अपने को, इसका मान ज्ञात करना है थीटा का। तो डी के बाई डी थीटा बराबर क्या लिखेंगे, उसके लिए जीरो लिखेंगे, जीरो लिखेंगे तो इस पूरे के बराबर क्या आएगा जीरो। तो दो ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा टेन थीटा माइनस में दो बी स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा और कोट थीटा बराबर में इसके क्या लिख लेंगे जीरो। तो ये आ जाएगा यहाँ से दो ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा टेन थीटा माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दो बी स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा और कोट थीटा, दो से दो हो जाएगा कैंसिल ठीक है। तो यहाँ पर बचा ए स्क्वेयर और बट्टे में इधर आएगा तो ये बी स्क्वेयर बराबर, यहाँ कोसेक स्क्वेयर है और इधर इनटू में क्या है कोट,
कोस एक्स स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ एक बटा साइन स्क्वेयर थीटा, कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये सेक्स स्क्वेयर है तो सेक्स स्क्वेयर इधर जाएगा, सेक्स स्क्वेयर क्या करेगा इधर जाएगा, तो सेक्स स्क्वेयर को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वेयर को यहाँ पर लिखेंगे तो एक बटा कोस स्क्वेयर लिखेंगे, एक बटा क्या लिखेंगे कोस स्क्वेयर, तो कोस स्क्वेयर का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर सेक्स स्क्वेयर का कोस स्क्वेयर इधर लिख लिया अपन ने, ठीक है। टेन का, टेन का मतलब होता है साइन बटा कोस, साइन बटा कोस इधर जाएगा साइन बटा कोस, तो क्या लिखेंगे इधर ले जाके इसको लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि भाग में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कोस बटे साइन लिख लिया, ठीक है। अब देखो तो ए स्क्वेयर बटा बी स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वेयर बटा बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बटा बी स्क्वेयर का मान आ जाएगा बराबर में कोस फिर कोस स्क्वेयर और फिर कोस, तो कोस की घात कितनी होगी यहाँ पे, कोस की घात होगी चार थीटा बटे साइन 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 स्क्वेयर, तो ये भी साइन की घात भी कितनी होगी चार थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वेयर बटा बी स्क्वेयर है, ये ए स्क्वेयर बटा कितना है बी स्क्वेयर, तो ए बटा बी का क्या लिख सकते हैं इसको होल स्क्वेयर, ये कोस बटा साइन है तो इसको कोस बटा साइन को अपन क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी चार, ठीक है। अब ये भी घात इधर दो है और इधर घात कितनी है चार, तो दो घात इससे कट जाएगी ये वाली, क्योंकि बराबर में है घातें भी क्या रहेंगी बराबर, तो ए बटा बी, तो इधर क्या बचेगा कोट थीटा और इसकी घात कितनी बचेगी दो, ठीक है। अब ये दो है स्क्वेयर है, स्क्वेयर इधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो कोट थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, कोट थीटा का जो मान है स्क्वेयर इधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो ये मान आ जाएगा रूट ए बटा बी, ये कोट थीटा का मान आ गया रूट ए बटा बी, तो कोट थीटा का मान अपन ने क्या ज्ञात कर लिया रूट ए बटा बी, ये कोट थीटा का मान निकल गया। दो स्टेप कंप्लीट हो गए, तीसरा स्टेप अपना क्या रहता है इसमें, स्टेप नंबर थर्ड जो है, थर्ड स्टेप में अपन क्या करते हैं एक बार और अवकलन करते हैं, डी पी बाई डी डी के बाई डी थीटा का क्या करेंगे एक बार पुनः अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी टू के अपॉन में क्या हो जाएगा डी थीटा टू, ठीक है। एक बार पुनः अवकलन कर लेंगे, तो एक बार और अवकलन करेंगे ना, तो देखो कर ही लेते हैं दो ए स्क्वेयर, ये यू इंटू वी से होगा अब की बार यू इंटू वी, ठीक है। तो मैं पहले सेक स्क्वेयर का अवकलन कर लेता हूँ, तो सेक स्क्वेयर का अवकलन क्या हो जाएगा दो सेक थीटा हो जाएगा, फिर सेक का करेंगे तो सेक का हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा, और पहले से क्या है यहाँ पे भी टेन थीटा, तो सेक स्क्वेयर का कर लिया मैंने, ठीक है। अब प्लस सेक स्क्वेयर का तो सेक स्क्वेयर आ जाएगा, अवकलन किसका होगा टेन थीटा का, और टेन थीटा का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वेयर थीटा, तो इस पूरे का यू इंटू वी से कर लिया अपन ने, फिर आगे साइन किसका लगा हुआ माइनस का, माइनस का कितना है दो बी स्क्वेयर है लिख लिया, फिर कोसेक स्क्वेयर का करेंगे तो कोसेक स्क्वेयर का माइनस दो कोसेक थीटा, नहीं कोसेक स्क्वेयर का करेंगे तो दो आ जाएगा दो कोसेक थीटा आ जाएगा, फिर कोसेक का करेंगे तब क्या आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा और इनटू में क्या आएगा कोट थीटा, तो ये माइनस मैंने लगा दिया, और आगे क्या था इसके कोट थीटा और था पहले से, प्लस यू इंटू वी से कर रहे हैं ये, तो कोसेक स्क्वेयर का कर लिया मैंने और इनटू में क्या आ गया कोट, अब की बार कोसेक स्क्वेयर का कोसेक स्क्वेयर आ जाएगा, और कोट थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वेयर थीटा होता है, माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वेयर थीटा, तो डी टू के अपॉन में डी थीटा टू का जो मान है, देखो ये माइनस है और ये भी क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये मान क्या आ जाएगा टोटल, ये वाला तो प्लस का है ही, तो ऊपर वाला तो मान क्या है दो ए स्क्वेयर, दो ए स्क्वेयर का दो से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा चार ए स्क्वेयर, नीचे लिख लेते हैं फोर ए स्क्वेयर, ठीक है। सेक थीटा है और ये भी सेक थीटा है, और ये टेन थीटा और ये टेन थीटा, तो ये सेक का सेक से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वेयर थीटा, और टेन का टेन से गुणा करेंगे तो टेन स्क्वेयर थीटा, प्लस में आगे क्या हो जाएगा सेक की घात चार थीटा हो जाएगी, प्लस उसके बाद में ये देखो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और पहले ही माइनस लगा हुआ यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और दो का दो से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा चार बी स्क्वेयर, तो ये बन गया यहाँ से कोसेक स्क्वेयर थीटा, कोसेक का कोसेक से गुणा करेंगे तो, और कोट का कोट से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोट स्क्वेयर थीटा, प्लस में कोसेक स्क्वेयर का कोसेक स्क्वेयर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कोसेक की घात चार थीटा, तो ये सारा मान किसका आ गया प्लस का आ गया, तो पॉजिटिव आ गया, और कोट थीटा बराबर कितना है रूट ए बटा बी, ये भी प्लस का है,
तो प्लस के अंदर ये प्लस वाला ही मान लिखेंगे तो ये मान भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका मतलब डी टू के अपॉन में डी थीटा टू जो है वो बड़ा है किससे, जीरो से। जीरो से बड़ा होने का मतलब के का जो मान है, ये जो के है, के क्या हो जाएगा, के का मान न्यूनतम है। इसका मतलब के का मान क्या है, न्यूनतम। और के किसको माना था अपन ने, जेड स्क्वेयर को, और जेड स्क्वेयर का मतलब क्या था, जेड। तो जेड का मान भी क्या होगा, अतः जेड का मान न्यूनतम है। जेड का मान क्या है, न्यूनतम। और जेड का मतलब क्या था, रूट ए स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर थीटा का मान न्यूनतम है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन, रूट ए स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर को से एक्स स्क्वेयर थीटा का मान क्या है, न्यूनतम है। अगर ये मान न्यूनतम हो गया तो इधर वाला मान क्या होगा, अधिकतम। तो इसका मतलब ये अपने को क्या सिद्ध करना था, ये दूरी थी विलंब की दूरी, केंद्र से विलंब की दूरी। तो केंद्र से विलंब की दूरी क्या थी, ये वाली दूरी थी। और ये क्या आनी चाहिए थी, अधिकतम आनी चाहिए थी, ये अपने को प्रूव करना था। तो केंद्र से विलंब की दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि अगर ये मान न्यूनतम हो गया तो ये दूरी क्या होगी, अधिकतम। तो अपन यही लिखेंगे कि अतः ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर बट्टा रूट, बट्टे में क्या आएगा, रूट ए स्क्वेयर सेक्स स्क्वेयर थीटा प्लस में क्या है, बी स्क्वेयर कोसेक्स स्क्वेयर थीटा का मान अधिकतम है। मान क्या है, अधिकतम। तो ये तो अपन ने प्रूव कर लिया कि मान तो क्या है, अधिकतम है। अब अपना क्या है, मान निकालना है अपने को कि अधिकतम दूरी क्या बता रहा है अपने को, ये अधिकतम दूरी आनी चाहिए ए माइनस बी, वो अपने को निकालनी है, ठीक है। अधिकतम दूरी, तो अपन अधिकतम दूरी भी अब ज्ञात करेंगे। तो अधिकतम दूरी अपन यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अधिकतम दूरी की अधिकतम दूरी आएगी कितनी, ठीक है। तो अधिकतम दूरी ज्ञात करेंगे अपन विलंब की। तो विलंब की दूरी अपन ने क्या मान रखी है, पी मान रखी है। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो है ही है, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर बट्टे में क्या है, इसके बट्टे में ए स्क्वेयर। अब अपने पास में मान है कोट थीटा का, और कोट थीटा का मान कितना है अपने पास में, रूट ए अपॉन में बी है। तो कोट थीटा का मान है तो अपन यहाँ से टेन थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा रूट बी बट्टा ए। तो टेन थीटा का मान है लेकिन सेक स्क्वेयर का मान नहीं है अपने पास में। तो सेक स्क्वेयर को अपन क्या लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र से एक प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं, एक प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा, प्लस में आगे क्या है बी स्क्वेयर, और कोसेक स्क्वेयर थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक प्लस में कोट स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं। तो पी बराबर मान क्या आ जाएगा, पी बराबर मान आ जाएगा यहाँ से, पी बराबर मान आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर बट्टे में रूट, बट्टे में क्या है, रूट ए स्क्वेयर का ए स्क्वेयर वन प्लस टेन स्क्वेयर, वन प्लस में क्या है टेन स्क्वेयर, और टेन थीटा का मान कितना है, रूट बी बट्टा है। तो टेन स्क्वेयर का मान क्या हो जाएगा, रूट इधर जाएगा तो टेन स्क्वेयर बन जाएगा, तो टेन स्क्वेयर का मान हो जाएगा बी बट्टा ए। टेन स्क्वेयर का मान कितना हो जाएगा, बी बट्टा ए। तो वन प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे बी बट्टा ए आ जाएगा, वन प्लस में बी बट्टा ए प्लस आगे क्या है, बी स्क्वेयर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में बी स्क्वेयर आएगा, ठीक है, बी स्क्वेयर आएगा। और बी स्क्वेयर के आगे कितना है, वन प्लस में, वन प्लस में कोट स्क्वेयर थीटा है, कोट स्क्वेयर थीटा, कोट थीटा का मान रूट ए बटा बी, रूट इधर जाएगा स्क्वेयर बन जाएगा, तो कोट स्क्वेयर थीटा का मान आ जाएगा ए बटा बी। ये मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ए बटा बी। तो पी का मान क्या आ गया, यहाँ से इसको सरल कर लेंगे, अब ए स्क्वेयर माइनस में कितना है, बी स्क्वेयर बट्टे में रूट, अब देखो ये लघुत्तम आएगा, ए स्क्वेयर तो ये है ही, यहाँ पर लघुत्तम आएगा ए, ये बन जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस में क्या आएगा बी, प्लस बी स्क्वेयर तो ये है ही, और यहाँ लघुत्तम क्या आएगा, बी आएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी, क्योंकि ये तो ए है ही और ये बी से गुणा होगा क्योंकि लघुत्तम लिया है, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर से ये वाला ए कैंसिल, बी स्क्वेयर से ये वाला बी कैंसिल। तो पी का मान क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर बट्टे रूट ए बचा यहाँ पे, क्योंकि ये बाकी तो घट ही गया, ए ए प्लस बी बच गया आगे, प्लस बी स्क्वेयर से बी घट गया तो आगे ए प्लस में क्या है बी। तो पी का मान क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बट्टे रूट
ये ए प्लस बी और ये भी क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या आया कॉमन आया, और यहाँ पे क्या बचा ए और यहाँ पे क्या बचा बी, तो ये आ जाएगा ए प्लस में बी। ठीक है, तो पी का मान क्या आ गया, देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार किस में लिखते हैं प्लस में, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का जो फॉर्मूला होता है। अब ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वेयर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, होल स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पी का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, पी बराबर आ जाएगा ऊपर तो बचा हुआ है ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी, यहाँ पे होल स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या आ गया ए प्लस में बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो गया कैंसिल, तो पी का मान क्या आ गया, पी का मान आ गया अपने पास में ए माइनस में बी, पी का मान क्या आ गया ए माइनस बी, यानी विलंब की दूरी क्या आ गई केंद्र से ए माइनस बी आ गई, वही अपने को क्या करनी थी सिद्ध करनी थी, और जो कि अधिकतम दूरी है क्योंकि अधिकतम मान आया था तो अधिक दूरी भी क्या होगी ये अधिकतम। ठीक है, तो अपना 8.6 जो है प्रश्नमाला ये कंप्लीट हो गई है, और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, प्रश्नावली 8 चैप्टर जो 8वां जो अपना अवकलज के अनुप्रयोग कंप्लीट हो चुका है, इसके एग्जाम्पल भी मैंने सारे करवा दिए हैं, तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन नहीं है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो विविध प्रश्नमाला है वो भी एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।